ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। मैं वेद पंडित आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां हम आपको हर रोज कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। जी हाँ, हम हर रोज़ भगवान गणेश जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। दोस्तों आज हम आपको यह बात बताने जा रहे हैं कि गुरुवार यानी थर्सडे के दिन, जो कि नारायण और गुरुदेव का यानी बृहस्पति महाराज का दिन होता है, इस दिन ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, गलती से भी ना करें, अन्यथा इसका जो परिणाम होगा वह बेहद बुरा होगा। आप ये भूल चूक ना करें, इसलिए हम आपको सतर्क करने जा रहे हैं। लेकिन जिससे पहले हम आगे बढ़े, हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं चमकती किस्मत पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कोई भी व्यक्ति ये गलतियाँ ना करे और अपना जीवन अच्छे तरीके से जी सके। दोस्तों गुरुवार के दिन हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहली बात, गुरुवार के दिन दोस्तों साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है जो है सिर्फ चेहरे पे ही साबुन लगाना चाहिए और बाकी जगह पानी से ही स्नान सिर्फ करना चाहिए। सर कभी भी नहीं धोना चाहिए, साबुन का प्रयोग ना करें, ना शैम्पू का प्रयोग करें सर पे, बालों पे, चाहे स्त्री हो चाहे फिर वह पुरुष हो। और इसी के साथ गुरुवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों गुरुवार के दिन आपको नाखून भी नहीं काटने चाहिए, बाल या दाढ़ी भी आपको नहीं काटनी चाहिए, बनवानी चाहिए दोस्तों। और गुरुवार के दिन आप मांस मदिरा का सेवन भी बिल्कुल ना करें। यह सब चीज़ें करना गुरुवार के दिन मना है। ये सब चीज़ें करने से घर में दरिद्रता और परेशानियां आ जाती हैं दोस्तों। इसके विपरीत अगर आप ये सब बातें, ये सब चीज़ें करेंगे जो हम आपको अब बताने जा रहे हैं, तो इसका आपको शुभ परिणाम मिलेगा और नारायण की और बृहस्पति महाराज की आप पे कृपा हो जाएगी। दोस्तों बृहस्पतिवार के दिन हो सके तो पीला कपड़ा ही पहने और पीले कपड़े का ही दान करें दोस्तों, तांबे का दान करें। इसी के साथ इस दिन आप खाने में भी पीला भोजन अगर बना सकें तो बेहद अच्छा होगा। और बृहस्पतिवार के दिन आप केले के पेड़ की पूजा करें दोस्तों तो बेहद अच्छा होगा। और आप बृहस्पति महाराज की पूजा करें, मंत्र है ओम ग्रा ग्री ग्रोसा गुरुवाय नमः की एक माला यानी 108 बार जप, और इसी के साथ नारायण की पूजा करनी है इस मंत्र से ओम नमो भगवते वासुदेवाय की भी आपको एक माला यानी कि 108 बार जप करना है। आप चाहें तो ज़्यादा मालाएं भी कर सकते हैं। अगर आप यह करेंगे दोस्तों तो विश्वास मानिए आपके जीवन में जितने भी संकट थे वे सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और आपकी जितनी भी इच्छाएं थीं, चाहे वह शादी से जुड़ी हों, संतान से जुड़ी हों, काम धंधे जुड़ी हों, वह सब पूरी हो जाएंगी। हाँ, समय अवश्य लेंगी क्योंकि अच्छी चीज़ें समय लेती हैं, परंतु ये पूरी ज़रूर हो जाएंगी। दोस्तों आप सिर्फ कर्म करते रहिए और हमारे ये उपाय जो हमने बताएं अपनाएं और फिर आप देखें आपको इनका चमत्कारिक लाभ अवश्य मिलेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल चमकती किस्मत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।